कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है आज की क्लास में। तो जैसे कि हम भगवद गीता से चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने पहला अध्याय डिस्कस किया जिसमें अर्जुन युद्ध ना करने के बहुत सारे तर्क बताते हैं, और दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और फिर दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में अर्जुन भगवान को अपना गुरु रूप में स्वीकार करते हैं कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मेरा क्या कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ, मैं भ्रम में हूँ, तो मेरा क्या कर्तव्य है आप मुझे बताइए। तो गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर भगवान एक एक करके जितने भी अर्जुन ने आर्गुमेंट्स दिए थे उन सबका काटते हैं, उन तर्कों को काटते हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहला जो तर्क कंपैशन का जो अर्जुन देते हैं कि मैं अंदर दया आ रही है, मैं कैसे मार सकता हूँ उनको, तो भगवान बताते हैं कि आप ऐसा कोई समय था ही नहीं कि आप नहीं थे, मैं नहीं थे और ये लोग नहीं थे, और आगे भी भविष्य में भी ऐसा कभी समय नहीं आएगा। तो शाश्वत रूप से वो लोग हैं, मैं भी हूँ, वो भी रहेंगे, तो कोई किसी को नहीं मार पाएगा। आत्मा अजर अमर है। तो आत्मा का जो विज्ञान है उसको भगवान अर्जुन को बताते हैं और पहला जो तर्क है उनका उसको रिफ्यूट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 11 से 13वें श्लोक तक चर्चा की थी। आज हम दूसरे अध्याय के 14 और 15वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि अगर हम जो हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, दुख सुख आते हैं, उनको सहन करते हुए अगर अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे हम, तो क्या होगा, हम मुक्ति के योग्य बनेंगे। उसका फल क्या मिलेगा हमको, हमें मुक्ति, इन संसार की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। कब? अगर हम इन सारी कठिनाइयों का, सुख दुखों का सामना करते हुए, सहन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो यही इसकी एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, जो भगवान 14वें 15वें श्लोक में बता रहे हैं। तो 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास्तां स्थिति क्षक्ष भारत। इसका अनुवाद इस प्रकार है, भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो ये जो सुख और दुख है, भगवान कह रहे हैं ये किस तरह हैं, ये तो गर्मी और सर्दी की तरह हैं, ये आएंगे और जाएंगे, है ना। तो उनसे हमें भयभीत नहीं होना है, या अपने कर्तव्य के पालन में उनसे हमें रुकावट नहीं क्रिएट करनी, वो तो आएंगे जाएंगे, तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना है। तो हम देखते हैं कि चार वर्ण हैं और चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसी प्रकार चार वर्ण भी हैं, है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबके अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। जैसे ब्राह्मण के कर्तव्य हैं, भगवत में बताए गए हैं क्या, पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह, कि दूसरों को पढ़ाना पढ़ना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, और दान देना, दान स्वीकार करना।
ये उनके कर्तव्य हैं। और ये अगर आध्यात्मिक उन्नति हमें करनी है, भले हम किसी भी आश्रम में हैं, किसी भी वर्ण में हैं, तो उस वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार हमें ड्यूटीज जो है, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज जो हमारे कर्तव्य हैं, जब उनको करेंगे हम, तो ही हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी हमारी। जिस प्रकार ब्राह्मण के हमने डिस्कस किया, क्षत्रिय क्या है, प्रोटेक्शन देना, जो प्रजा है उस पर शासन करना, उनकी सुरक्षा करना। उसी प्रकार वैश्य है, उसका जो कर्तव्य क्या है, कृषि गौ रक्षा वाणिज्य, कृषि करना, अन्न उत्पादन करना और व्यापार करना और गाय की रक्षा करना, तो ये उसका कर्तव्य है, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है उस आश्रम के लिए, उस वर्ण के लिए। और शूद्र जो है इन तीनों क्लासेस की सेवा करता है, तो उसका कर्तव्य क्या है, टू सर्व द अपर क्लास सोसाइटी। ये तीन जो सोसाइटी हैं, तीन वर्ण हैं, उनकी सेवा करना उसका कर्तव्य है। तो हम देखते हैं कि समाज में देखा जाता है कि शूद्र को बहुत हीन माना, नहीं, अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से कर रहा है, चाहे वो शूद्र है चाहे वो क्षत्रिय है, कोई बड़ा ऊंचा नहीं है, वो अपनी योग्यता के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार वो वही कार्य कर सकता है, तो वो उस कार्य कर को करके भी उसी फल को प्राप्त कर सकता है जो ब्राह्मण या क्षत्रिय प्राप्त कर रहे हैं। तो शूद्र भी जो उसका कर्तव्य है उसका पालन करके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। तो सबको अपनी अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी, जो कर्तव्य हैं, उनका पालन करना बहुत ही आवश्यक है ना। और उससे क्या होता है कि जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं ना, वो जो कर्तव्य का पालन करते हैं, तो हमारी जो भौतिक इच्छाएं एक रेगुलेटेड, एक तरह से निश्चित मात्रा में, एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल में वो पूरी भी होती हैं, है ना। और धीरे धीरे उससे क्या होता है कि हम जो देहात्म चेतना है ना, जो देहात्म चेतना, जो हमारे जीवन का जो देहात्म बुद्धि है, उससे हम धीरे धीरे अनासक्त होते हैं, है ना। और धीरे धीरे हम क्या है, जो ज्ञान का स्तर है, जो ज्ञान का प्लेटफॉर्म है, उस पर हम क्या है, आते हैं। तो इसीलिए जितने भी वर्ण हैं या आश्रम हैं, उनके अनुसार हमें अपना कर्तव्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक है, अगर हम आध्यात्मिक जीवन उन्नति करना चाहते हैं। ये यहाँ पे भगवान क्यों कह रहे हैं, भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन क्या कह रहे हैं कि नहीं, हे भगवान अर्जुन, मैं अपने कर्तव्य, अर्जुन का कर्तव्य क्या है यहाँ पर, क्षत्रिय हैं, युद्ध करना उनका कर्तव्य है, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है उनके लिए, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, नहीं, मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं जाके संन्यास ले लूंगा, मैं हिमालय में चला जाऊंगा, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं मार सकता। तो जब तक उसकी योग्यता हम अर्जित नहीं करेंगे, जब हम दूसरे वर्ण आश्रम की जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है उनको हम फॉलो या पालन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अर्जुन को यहां पर समझा रहे हैं कि नहीं, जो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम आध्यात्मिक जीवन उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर कृष्ण भगवान इन दो श्लोकों को कोट करते हैं, इन दो श्लोकों को बोलते हैं। यहां पर अर्जुन को भगवान ने दो नामों से संबोधित किया है, पहला है कौन्तेय और दूसरा है भारत। कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र और भारत, भारत मतलब भरतवंशी, उनके जो पूर्वज हैं वो क्या, राजा भरत के वंशज हैं, जिसके नाम पर इस जो देश का नाम क्या, भारतवर्ष पड़ा। तो कौन्तेय क्या सिग्निफाइज करता है, क्या संबोधित करता है, कि आपका संबंध कहाँ से है, बहुत आपका जो ब्लड रिलेशन है, मदर साइड है ना, वो एक बहुत ऊंची परिवार से आप बिलोंग करते हैं, कौन्तेय। और दूसरा भरत, भरत भी जो पिता की, उनकी जो साइड है पिता की तरफ से, वो भी उनकी महानता को दर्शाता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आप तो कौन्तेय हो, आप तो भारत हो, आप भरतवंशी हो, आप कुंती पुत्र हो, सो आप एक महान जो वंश परंपरा है ना, एक ग्रेट हेरिटेज है, आप उससे बिलोंग करते हो, आपका संबंध वहां से है ना, तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है फिर, है ना। और आप क्या कर रहे हो, आप इन जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, है ना।
ना, तो आप जो है इस युद्ध को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप युद्ध को अवॉइड कर रहे हो तो क्या है, ये आपके लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि आप इतने भरत वंशी कौंतेय, आप कुंती पुत्र हो, इतनी ऊंची ऊंची परंपराओं से, पिता की साइड से भी और माता की साइड से भी, आप दोनों तरफ से इतनी ग्रेट हेरिटेज, एक महान वंश परंपरा से आप बिलोंग करते हो, तो आप इस तरह जो युद्ध है उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, भले ही इसमें बहुत सारी कठिनाइयां आए, समस्याएं आए, है ना। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन कठिनाइयां बता रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत कठिनाई है, मैं अपने लोगों को कैसे मार सकता हूं, मैं तो उनसे आसक्त हूं, अटैच हूं, मैं उनको कैसे युद्ध में मार सकता हूं, कैसे मैं उनका वध कर सकता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये तो दुख सुख तो चलता ही रहेगा, इन सारी कठिनाइयों को सहन करते हुए तुम्हें युद्ध करना है, और युद्ध करोगे तो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे क्या तुम्हें इसका फल मिलेगा। लेकिन कठिनाई जब हम प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करेंगे तो कठिनाइयां तो आएंगी आएंगी, सुख और दुख, कभी दुख होगा उनसे, कभी सुख होगा, तो वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन उनको क्या करना है, सहन करना है। उनको सहन करेगा अर्जुन तो तुम्हें उसका फल भी मिलेगा। फिर अगर उनको आपने सहन करना सीख लिया तो उसका फल तुम्हें बहुत अच्छा रूप से मिलेगा भी फल फिर। तो यहाँ पर जो कृष्ण भगवान है अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कठिनाइयां तो क्या है, सुख दुख की तरह आती रहेंगी, तो हमें इन जो जीवन की ड्वेलिटीज हैं, जो दुविधाएं हैं, जैसे गर्मी जड़ा है, सर्दी गर्मी है, और क्या है, ड्वेलिटीज बहुत सारी हैं, सुख दुख है, ये करो वो करो, हर हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो इन ड्वेलिटीज को क्या है, हमें सहन करना है। इसका क्या सिद्धांत है, कैसे हम सहन कर सकते हैं, तो सहिष्णुता, टॉलरेटिंग मतलब सहिष्णुता, तो चार प्रकार की चीजों को हमें सहन करना चाहिए। अगर इनको हम खुला छोड़ देंगे, इनको सहन करके छोड़ देंगे, अगर सहन नहीं करेंगे तो क्या है, हमारे जीवन में बहुत सारी दुविधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, तो इन ड्वेलिटीज को हमें सहन करना सीखना है। सबसे पहली है वेग सहिष्णुता। वेग सहिष्णुता मतलब कि हमें हमारी इंद्रियों के द्वारा वेग आते हैं, वेग मतलब बहुत फोर्स आता है और हम उस कार्य करने को मजबूर होते हैं, है ना। उपदेश अमृत के पहले श्लोक में बताया गया है कौन कौन सी वेग हैं, छह वेग हैं, वाचो वेगम, मनस अक्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो इन छह वेगों को हमें सहन करना सीखना है। वाचो वेगम, बोलने का वेग, है ना, कभी कभी हमारी जिह्वा रुकती नहीं, कभी हम कुछ भी बोल देते हैं, हम कुछ भी नहीं सोचते कि अगर मैं इस बोलने से दूसरे व्यक्ति पर क्या फर्क पड़ने वाला है ना। तो बोलने की बीमारी सबको होती है ना? हर कोई इंसान बोलना चाहता है, लेकिन क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, है ना, तो इस वेग को हमें सहन करना सीखना है ना। और इस वेग को सहन, ऐसे नहीं कभी भी बोल लेगा, कहीं भी कुछ भी बोल दिया, नहीं इस तरह नहीं है। तो वेग को कंट्रोल करना है, वाचो वेगम, क्या बोलना है, जब भी बोलना है सोच समझ के क्या जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है या मेरे जीवन में कुछ ये फायदा करेगा या नुकसान ही नुकसान है इससे खाली। अगर फायदा है तो ही मैं शब्द को अपने मुंह से निकाल लूंगा, अदरवाइज नहीं निकालूंगा। तो वाचो वेगम, मन सक्रोध वेगम, मन का वेग है ना, मन इधर उधर भागता है, उसको कंट्रोल करना सीखना है। मन चरणारविंद, मन भगवान के चरणों में लगाना है। मनसा क्रोध वेगम, क्रोध का वेग है, क्रोध को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, किसी ने कुछ बोल दिया है ना और हमें गुस्सा आ गया, तो क्रोध वेगम, तो इसको भी हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है कि जब भी क्रोध आए ऐसे लोगों पर क्रोध करना है जो भगवान के विरोधी हैं या भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, तो ऐसे लोगों पर क्रोध दिखा सकते हैं। जिस प्रकार अर्जुन ने क्रोध व्यक्त किया दूसरी सेना को मार के, हनुमान जी ने भी क्रोध को व्यक्त किया, भगवान की सेवा में लगाया है ना। तो इस तरह
क्रोध को हम भगवान के सेवा में लगाकर उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, है खाने का, हमेशा जिह्वा क्या चाहती है, अच्छा अच्छा खाना है ना, पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन ये सारी चीज़ टेस्टी फूड खाना चाहती है। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, वो हमारे बीमारियों का कारण बनता है। तो इसीलिए हमें इस वेग को भी सहन करना है। जैसे नहीं कि जब भी मन हुआ जी कुछ खाने की, जिह्वा का मन हुआ तुरंत उसने तुरंत खा लिया, नहीं तो हमारे अल्टीमेटली वो क्या सफरिंग का कारण बनेगा। मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, और उदर उपस्थ पेट का वेग और जननेन्द्रियों का वेग। तो ऐसा नहीं खूब खाया और फिर क्या होगा, फिर बीमारियां होंगी। जितना नीड है तो क्या बताया गया है कि खाली 50% खाना है, 50% खाली छोड़ना है, जितनी भी स्पेस है हमारे अंदर। तो इस तरह इन 6 वेगों को हमें सहन करना है। वेग आएंगे, ये बोलने का वेग आएगा, उधर उपस्थित का वेग आएगा, खाने का वेग आएगा, जिह्वा का वेग आएगा, क्रोध का वेग आएगा, लेकिन इनको जो सहन करता है वो ज्ञानमय है, वो आगे आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। और जो व्यक्ति ज्ञानमय है उसको पता है ये क्या एक भ्रम है ना, और ये जो डुअलिटीज हैं ये कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, ये सेंस परसेप्शन है ना, जो इंद्रियों का, इंद्रियों से ये उत्पन्न हो रही हैं। उसको पता है कि मेरा हायर गोल क्या है, मुझे मोक्ष, इन संसार की समस्याओं से बाहर निकलना है, वो मेरा परम लक्ष्य है। तो जब वो अपने परम लक्ष्य पर फोकस रहता है तो ऐसी चीजों से वो बाधित नहीं होता, वो अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से कर पाता है और ऐसी चीजों से वो बाधित नहीं होता। तो ये पहला है वेग सहिष्णुता, 6 प्रकार के वेगों को हमें सहन करना है, ये डुअलिटीज है। और दूसरा है द्वंद सहिष्णुता। द्वंद सहिष्णुता मतलब कि द्वंद लगा रहता है, शीतोष्ण सुख दुख दा मान अपमान, है ना, कि मान मिलेगा अपमान मिलेगा, सुख है दुख है, गर्मी है जाड़ा है। तो ये द्वंद सहिष्णुता हमें रहती है, ज्यादा गर्मी में दिक्कत होती है, ज्यादा ठंड में भी दिक्कत होती है, ज्यादा मान मिल जाए तो दिक्कत, ज्यादा अपमान मिल जाए तो दिक्कत, है ना, ज्यादा सुख हो तो दिक्कत, ज्यादा दुख हो तो दिक्कत। तो हम एक्सट्रीम कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन इन चीजों को भी हमें क्या है सहन करना सीखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, हम सहन नहीं करेंगे तो जितना हमारे जीवन में दुख या सुख लिखा है वो तो आएगा ही आएगा। अगर एक फॉर्म में जो दुख आ रहा है उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो वो दूसरी फॉर्म में आएगा। फिर जैसे गर्मी से बचने के लिए हम पंखा चलाते हैं, ठंड से बचने के लिए हीटर चला रहे हैं, है ना, तो उसका भी रिएक्शन क्या है, जितना वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है उतना ठंडक भी, ठंड वो तो जो एनर्जी है वो कन्वर्टेबल है, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्रिएट नहीं की जा सकती कुछ भी एनर्जी, हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो इन डुअलिटीज को हमें सहन करना है, मान अपमान है, मान मिल रहा है ना, तो कई 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 मान, एक्चुअली मान को भी सहन करना बड़ी बात है ना, क्योंकि मान भी हमसे सहन नहीं हो पाता कभी कभी, है ना, मान जब मिलता है, ज्यादा सम्मान मिलता है तो वो भी हमारे दुख का कारण बनता है कभी कभी, इसलिए मान को भी सहन करना है और अपमान जो मिलता है उसको भी सहन करना है। मान को कैसे सहन करना है कि नहीं, जो मुझे सम्मान मिल रहा है मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, क्या मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, ये तो भगवान ने कुछ ऐसी शक्ति दी है, भगवान मुझे खाली इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हैं, तो मेरा तो अपना शरीर भी नहीं है, सब किराए पे मिला है, तो मेरा क्या है फिर, यहाँ पे जब आया था मेरा कुछ नहीं था, सब किराए पे, तो मैं कैसे क्रेडिट ले सकता हूँ, जो भी मान मुझे मिल रहा है किसका है, सब दिया गया है, मेरा कुछ नहीं है, आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंट। अपमान, अपमान में तो सोचना चाहिए हमें कि किस किसका अपमान हो रहा है, मैं तो आत्मा हूं, तो शरीर का अपमान हो रहा है, शरीर तो मैं हूं ही नहीं, है ना, मैं शरीर तो हो ही नहीं, तो अपमान किसका हो रहा है, शरीर का हो रहा है। किसी ने गाली भी दी आपको, मान लो आपका अपमान किया,
तो किसको गाली दी उसने? शरीर को गाली दी, आपको थोड़ी गाली दी। अब गलत बोलता है, गोरा काला जैसे खराब बॉडी है, तो क्या शरीर के लिए बोल रहा है? आपके लिए थोड़ी कुछ बोला। तो इसीलिए इस अपमान को हमें सहन करना है। सुख दुख जीवन में आते रहेंगे, सुख दुख भी क्या है जीवन में आएंगे, क्योंकि वो फिक्स है। हमारे जीवन में सुख दुख की जो मात्रा है वो फिक्स है, इतने सुख दुख आएंगे आएंगे, चाहे हम कुछ भी कर लें, उनको आना ही आना है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इन्हें सहन करना सीखो। जो भी कठिनाई आ रही है आपके जीवन में, इनको सहन करो और अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। जिस प्रकार, जैसे मान लो विद्यार्थी कर्तव्य पढ़ना, अब वो सोचे नहीं अभी ठंड लग रही है, ठंड में कैसे पढ़ूंगा, सुबह कैसे उठूंगा। नहीं, उठना है सुबह। जिस प्रकार भक्त लोग सुबह उठते हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, सुबह उठना ही है। अभी ठंड चल रही है, प्रभुपाद जी एक बार इलाहाबाद में थे, और इलाहाबाद में प्रयागराज में जनवरी में बहुत ठंड पड़ रही थी, माघ महीना चल रहा था जनवरी का। तो उन्होंने देखा कि जो उनके शिष्य हैं वो सुबह नहाने में क्या डर रहे हैं ठंडे पानी से। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, खुद बाल्टी लेके गए और हैंडपम्प के पास खुद नहाए, सबके सामने दिखाया खुद कैसे नहाते। फिर जो उनके डिसाइपल थे, शिष्य थे, जब गुरु नहा रहे हैं तो क्या है, वो भी पीछे पीछे भागे और वो भी इस तरह नहाए हैं। तो जो हमारा कर्तव्य क्या है, भक्त का भी कर्तव्य है सुबह उठ के मंगल आरती में जाना और स्नान करना सुबह सुबह। तो चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, वो करना है, कर्तव्य का पालन करना है। और जब हम करते रहेंगे तो ही हम उन्नति करेंगे। चाहे सुख दुख आएगा, कठिनाइयां आएंगी, कोई मान करेगा, अपमान भी करेगा। अपमान करेगा, क्या ये कोई उम्र है माला करने की, ये बाबा जी बन गए, ये क्या कैसे धोती कुर्ता पहन लगे, पैंट शर्ट पहनो। तो अपमान भी करेंगे, कुछ लोग सम्मान भी देंगे। तो इन सबको सहन करते हुए हमें अपने कर्तव्य का, जो जो हमारे ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, उनका पालन करना ही है। तो यह द्वंद सहिष्णुता, इनको भी हमें टॉलरेट करना है। गर्मी जाड़ा आएगा, सुख दुख आएगा, मान अपमान आएगा, इसको हमें टॉलरेट करना है ना। ऐसी प्रवोकिंग सिचुएशंस में हमें क्या है, अनडिस्टर्ब रहना है, डिस्टर्ब फील नहीं करना। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हम देखते हैं। जड़ भरत का उदाहरण श्रीमद् भागवतम में आता है ना। तो जड़ भरत जो थे, पहले जन्म कहते भरत महाराज थे और भाव के स्तर पर थे, लेकिन अंत में उनका जो आसक्ति एक हिरनी से हो गई और उनको अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। और उन्हें पूरा रियलाइज था कि भाई मेरी गलती हो गई, मैंने हिरण का जन्म लेना पड़ा, अगला जन्म मिलेगा मैं अब ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। तो अगला जन्म मिला उन्हें जड़ भरत का, तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की तरह, बेवकूफ़ लोगों की तरह ट्रीट करते थे। कोई होश ही नहीं, कोई कुछ भी करवा रहा है तो क्या है वो कर रहे हैं। एक बार जो जड़ भरत थे, तो कोई उनका रिएक्शन होता ही नहीं था, कोई उनको मारता है पीटता है, कोई कुछ भी करे उनके साथ, हर परिस्थिति में अनडिस्टर्ब, हमेशा सिचुएटेड है भगवान में, हमेशा भगवान का ध्यान। जैसे प्रहलाद महाराज का हम देखते हैं, इतने सारे दुख उनके जीवन में आए, लेकिन फोकस्ड है, उनका जो गोल है भगवान का स्मरण करना। उसी प्रकार जड़ भरत को ले गए, जा रहे थे, कुछ लोग तलाश कर रहे थे कि एक मोटा हत्या कटा मनुष्य मिले, जिसके हम जिनकी हम काली माता के सामने बलि दें। तो उन्होंने देखा कि जो जड़ भरत महाराज हैं, ये सही पर्सन है, बहुत हट्टा कट्टा मोटा ताजा है और बेवकूफ़ जैसा लग रहा है, तो ये कुछ करेगा भी नहीं। तो उसको लेके पकड़ के ले, वो जा रहा है उनके साथ, कुछ नहीं लगता उनको, ऐसी सिचुएशन को भी क्या वो फेस सहन कर रहे हैं। उनको पता है कि ये लोग किस कारण के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई रिएक्शन नहीं। और जैसे ही उनको माता के सामने यानी बलि लेके लिए, तुरंत वो फरसा उनको गला काटने वाले थे, तुरंत क्या वो मूर्ति फट गई, दुर्गा देवी प्रकट हो गई ना, और जो लोग मारने वाले थे उनका ही सर काट दिया। सो इस तरह हमारे जीवन में कठिनाई आएंगी, तो ऐसी परिस्थितियों में भी जो प्रवोक करती हैं हमको, रिएक्ट करने पर मजबूर करती हैं, इन परिस्थितियों में भी हमें क्या है अनडिस्टर्ब रहना है। कोई बहुत अपमान कर रहा है आपका, लेकिन फिर भी हमें अनडिस्टर्ब रहना है। अगर डिस्टर्ब करेंगे, अगर डिस्टर्ब होंगे तो क्या होगा, हम अपना ही नुकसान करेंगे। जिस प्रकार मैं आज सुबह सुबह एक कोट पढ़ रहा था, मैंने शेयर भी किया था, एक सांप था, तो
तो सांप क्या है कि जो एक आरी काटने वाले कारपेंटर की आरी होती है उससे क्या है लिपट गया है ना, और उससे थोड़ा टच हो गया तो उसको थोड़ा सा हर्ट हुआ, थोड़ी उसकी चोट लग गई। तो उसने सोचा कि अच्छा इसने मुझे चोट लगाई तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसको पूरा गोल गोल है ना, सांप क्या करता है किसी व्यक्ति को गोल गोल करके मार देता है, उसको दम घुटता है। तो उसने कहा मैं आरी का ऐसे गोल गोल करके मारूंगा। तो जैसे ही वो गोल गोल उसको करता है तो क्या होता है और ज्यादा हर्ट हो रहा है, फिर तो अच्छा ये मुझे मेरे से ज्यादा बलशाली, तो फिर उसको काटने का भी प्रयास करता है मुंह से, तो मुंह भी उसका हर्ट हो जाता है। तो इस तरह धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो उसी प्रकार जब हम क्रोध को व्यक्त करेंगे, प्रभु की सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो सांप का हश्र हुआ हम अपना ही नुकसान करेंगे। आरी का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसका नुकसान हुआ, उस जो व्यक्ति हैं उनका ही नुकसान हुआ। तो इसीलिए जो द्वंद्व सहिष्णुता है ना, इसको हमें स्वीकार करना है, इनको भी सहन करना है। और तीसरा है परमत सहिष्णुता, टॉलरेटिंग ओपिनियंस ऑफ अदर्स, कि जो दूसरे लोग हैं वो बहुत सारे मत दिया करेंगे, है ना, देते ही हैं फ्री की सलाह देने वाले क्या है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, अच्छा तुम्हारे अच्छा ये हो गया, अच्छा ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो हर व्यक्ति सलाह कुछ ना कुछ देगा ही देगा, लेकिन हमें उसको टॉलरेट करना है। कभी कभी हमें हो सकता है उसकी सलाह लग नहीं लगेगी, लेकिन उसको कुछ नहीं बोलना, ठीक है सुनो सबकी करो अपने मन की, ये गलत है ना, सुनो सबकी करो करो शास्त्रों की, है ना, सबकी सुननी है लेकिन हमें करनी कैसे, अपने मन की भी नहीं करनी, शास्त्रों के अनुसार जो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो उसके अनुसार हमें कार्य करना है। सुनो सबकी करो मन की नहीं करनी, सुनो सबकी करो शास्त्रों के मन की, जो शास्त्र कह रहे हैं, या भगवान के मन की, भगवान क्या चाहते हैं हमसे करने की वो करना है। तो ऐसी सिचुएशंस में भी हमें प्रवोक नहीं करना है, तो टॉलरेट करना है। कभी कभी दूसरा कोई सलाह देता है, तो जैसे मान लो मीटिंग चल रही है कुछ, तो मीटिंग्स में जैसे मान लो हम देखते हैं राज्यसभा लोकसभा में इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं, तो हर व्यक्ति ओपिनियन देता है और दूसरे को पसंद नहीं आती, तो क्या लड़ाइयाँ होती हैं फिर। तो ऐसी चीज़ों को भी हमें क्या है सहन करना है, दूसरों का जो मत है हमें हर ओपिनियन को वैल्यू करना है, भले ही कोई किस हिसाब से किस एंगल से उसको बोल रहा है हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो हो सकता है वो भी व्यक्ति एक ही डिसीजन पे हो सकता है चार व्यक्ति के अलग अलग ओपिनियन है और चारों व्यक्ति सही हो, क्योंकि हमारा जो देखने का इस चीज को देख रहे हैं, जैसे मान लो कोई ये वस्तु है, अब इसको एक व्यक्ति इधर से देख रहा है कुछ इधर लिखा है तो उसने उसको चीज को पढ़ा, और दूसरे व्यक्ति ने उसको इधर से देखा कुछ और लिखा है, वो कहेगा ये लिखा है, वो कहेगा ये लिखा है, तीसरे व्यक्ति कहेगा ये लिखा है, चौथे व्यक्ति इधर से देखेगा ये लिखा है, तो चारों व्यक्ति सही है, चारों व्यक्ति सही है जो पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे को नहीं पता कि वो किस एंगल से उस चीज को देख रहा है और उसको व्यक्त कर रहा है। तो हो सकता है कि हमें बिल्कुल खराब लगेगा, जो दूसरे का मत है बिल्कुल अनुचित लगेगा, आधारहीन लगेगा, कि इसका तो कोई आधार ही नहीं है, निराधार ये बक बक कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको हमें सहन करना है, वैल्यू करना है, उस सहिष्णुता को हमें सहन करना है। ये होती है परमत सहिष्णुता, ये थर्ड वन है। और चौथी है ना, जो बहुत ही प्रमुख है और ये हमारे सर्वनाश का कारण बनती है, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति में ब्लॉक है, ये क्या है, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति को ब्लॉक कर देती है बिल्कुल। ये कौन सी है, पर उत्कर्ष सहिष्णुता, मतलब क्या है इसका, कि दूसरे की उन्नति को देख के जलना नहीं, ईर्ष्या नहीं करनी, उसको सहन करना है, दूसरे की उन्नति को सहन करना है, टॉलरेटिंग प्रोग्रेस ऑफ अदर्स, है ना। हम देखते हैं संसार में क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या है, पर दुख दुखी नहीं है, या अपने दुख से दुखी नहीं है, वो क्या है दूसरों के सुख को देख के दुखी, कि उसके जीवन में इतनी उन्नति कैसे हो रही है, उसके जीवन में इतना सारी चीजें क्यों आ रही है, अपने जीवन में दुख है उससे उनको दिक्कत नहीं है, दूसरों के सुख से दिक्कत, पर सुख दुखी। तो इसीलिए जब हम दूसरों को, दूसरों की उन्नति को देखते हैं, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक रूप से उन्नति हो, तो उसको हमें सहन करना है, उसको कन्वर्ट नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना कि नहीं नहीं ये कैसे आगे बढ़े, उसकी टांग भी पकड़ के खींच लेते हैं। जिस प्रकार जो धृतराष्ट्र हैं, तो उनको पांडवों की उन्नति क्या है सहन नहीं हुई, ये कितने श्रेष्ठ हैं, धनुर्धर है, ये इनको राज्य नहीं देंगे, इनको नीचे कर देंगे,
धृतराष्ट्र क्या है, उनको जो पांडवों की उन्नति है वो सहन नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने उनको गिराने का क्या भरपूर प्रयास किया। तो क्या हुआ अंत में, हम देखेंगे कि पूरे कौरवों का विनाश हो गया। तो इसीलिए अगर हम भी इन चीजों को, दूसरों की उन्नति को सहन नहीं कर पाएंगे और हम रिएक्ट कर देंगे, है ना, उसको सहन किए बिना उस पर रेस्पॉन्स करेंगे, दूसरे का नुकसान करना चाहेंगे कि नहीं ये कैसे अच्छी माला कर रहा है मुझसे, ये तो भक्ति में आगे उन्नति हो गया, ये तो मुझसे बाद में आया था, मैंने इसको जोड़ा था और ये मुझसे आगे निकल गया, तो मुझे इसको नीचे गिराना है, या ये भौतिक उन्नति करा है, इसके बाद इतने सारे गाड़ियां आ गई तो मुझे इसको नीचे गिराना है। अगर ऐसा हम सोचेंगे तो क्या होगा, हम आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति था, तो भगवान की उसने प्रार्थना की, भगवान से बोला कि भगवान कि मेरे ऐसी इच्छा है कि जो भी मेरी इच्छा हो उसे पूरा कर दो। तो भगवान ने कहा ठीक है कि जो आप मांगोगे मैं आपको दूंगा, लेकिन क्या होगा, जितना आपको मिलेगा उसका डबल जो है आपके पड़ोसी को मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है भगवान मुझे एक कार दे दो। उसने एक कार मांगी, उसने देखा पड़ोसी घर दो कार आ रही, कहा ये तो बड़ा चक्कर है, उसका दो आ रही। तो उसने एक घर मांगा तो पड़ोसी के दो घर आ गए बड़े बड़े। तो यार उसने सोचा कि मैं तो तरक्की कर ही नहीं, मुझसे ज्यादा तो पड़ोसी तरक्की कर रहा है। तो बाद में उसने क्या मांगा, भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। तो क्या होगा, पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाएंगी। तो हम देखते हैं इस जीवन में, भौतिक संसार में हर व्यक्ति दूसरे का नुकसान करना चाहता है, दूसरे के जो तरक्की है उसको नहीं देखना चाहता, दूसरे की तरक्की को देख के खुश नहीं होता। तो हमें दूसरे की उन्नति को देख के, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति है चाहे भौतिक उन्नति है, हमें उस परिस्थिति में संभाव रहना है ना, ऐसी प्रोग्रेस को हमें टॉलरेट करना है, ठीक है कर रहा है तो हमें सहन करना है, खुश होना है। अगर हम सहन करेंगे तो हम भी उन्नति कर पाएंगे, अगर हम सहन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम भी नीचे चले जाएंगे फिर। तो चौथी है पर उत्कर्ष सहिष्णुता, दूसरे की उन्नति को सहन करना। तो हमने चार प्रकार की चीजों को सहन करना है हमको। कौन सी, पहली है वेग सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, टॉलरेट करना। वेग मतलब जो छह वेग हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, तो इनको सहन करना है हमें, सहिष्णुता। दूसरी है द्वंद्व सहिष्णुता, शीत उष्ण सुख दुखता मान अपमान, इन सबको सहन करना है हमको, है ना। पर मत सहिष्णुता, दूसरों का जो मत है ओपिनियन है उसको सहन करना है हमको। और चौथी है पर उत्कर्ष सहिष्णुता, दूसरों की जो प्रगति है उन्नति है उसको हमें सहन करना है। श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि टॉलरेटिंग इनकन्वीनियंसेस, जो कठिनाइयां हैं उनको कैसे टॉलरेट करना है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार की गर्मियों में, है ना, किचन में कुकिंग करना, है ना, नहीं कर पाते क्योंकि बहुत गर्मी लगती है, लेकिन फिर भी जो माताएं हैं वो कुकिंग करती हैं, है, उस गर्मी को सहन करके भी वो कुकिंग कर रहे हैं, है ना। ठंडों में ठंडे पानी से नहाना, लोग नहाते हैं फिर भी, तो उसको सहन कर रहे हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु का प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास आश्रम को ग्रहण किया, है ना। उनकी सुंदर सी पत्नी थी, यंग एज में 24 साल की उम्र में, है ना, एक माता को छोड़ दिया उन्होंने और एक संन्यास ग्रहण किया। तो उस सिचुएशन को उन्होंने सहन किया, टॉलरेट किया एक हायर पर्पस के लिए, है ना। सिमिलरली हम देखेंगे कि अर्जुन ने भी आगे युद्ध किया, भीष्म के प्रति, भीष्म की हत्या की, भीष्म का मर्डर किया, द्रोणाचार्य जो उनके गुरु हैं, जो उनके पितामह हैं, तो ऐसी कठिनाइयों को सहन करते हुए भी अर्जुन ने क्या किया, उन लोगों की हत्या की। तो ये जो धर्म है, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, जो हमारे कर्तव्य है उनका पालन करना है, उससे क्या आएगा, हम पालन करेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान आएगा जो हमें इस भ्रम से मुक्ति देगा। वो क्या करेगा, अगर हम इन प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, कर्तव्य का पालन करते रहेंगे, इन कर्तव्य का पालन करेंगे, इन शीतोष्ण सुख दुखदा, इन चीजों को, कठिनाइयों को, समस्याओं को सहन करते हुए अगर कर्तव्य का पालन करेंगे, तो किसका रास्ता हमारा खुलेगा, हमारा मोक्ष का रास्ता खुलेगा, जो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में,
यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तो भगवान कह रहे हैं हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो कौन लिबरेट होगा, कौन इनकी संसार की समस्याओं से बाहर निकलेगा, किसको मुक्ति मिलेगी, उसका अधिकारी कौन है, क्या योग्यता है उसकी, यह योग्यता है। क्या योग्यता है कि इन दुख और सुख में संभाव रहता है, वो टॉलरेट करता है इन दोनों चीजों को, संभाव रहता है। और वही व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है, मुक्ति का अधिकारी है, वो ये योग्यता है। तो अगर हम इन संसार की समस्याओं को कठिनाइयों को सहन करते हुए अगर अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे तो क्या मिलेगा, हम मुक्ति के अधिकारी बनेंगे, है ना। तो जो हमारा लक्ष्य है इस संसार की समस्याओं से बाहर निकलना, मुक्ति प्राप्त करना, तो उस पर फोकस करेंगे तो क्या है, हम इन जो दुविधाएं हैं, सुख दुख की जो दुविधाएं हैं, उनको हम ओवरकम, उनको जीत पाएंगे। तो ये योग्यता बनेगी हमारी मुक्ति की, है ना। और इस संसार से भौतिक आसक्ति हम छोड़ पाएंगे जब हम अपने कर्तव्य में पूरे दृढ़ रहेंगे, है ना। यहाँ पर प्रभुपाद जी फिर दोबारा एग्जाम्पल देते हैं चैतन्य महाप्रभु का, है कि उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, इतनी सारी कठिनाइयां थी, है ना, 24 वर्ष की अवस्था में सब कुछ घर बार छोड़ना इतना आसान नहीं होता, उनकी अकेली माता थी, अकेली पत्नी थी, कोई पिता था ही नहीं, भाई कोई था नहीं, भाई पहले भी संन्यास ले चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक हायर पर्पस के लिए, एक हायर गोल के लिए, है ना, एक उच्च लक्ष्य के लिए क्या है, ये स्टेप उठाए। तो इन डुअलिटीज को जब हम सहन करेंगे तो हमारा जो मुक्ति का रास्ता है वो खुल जाएगा। सो जितनी भी कठिनाई आएंगी, टेम्पटेशन आएंगी, वेग आएंगे या कठिनाई आएंगी, तो उनको सबको हमें टॉलरेट करना है, उन सबको क्या करना है, हमें सहन करना सीखना है, है ना। और क्या इच्छा करनी है, इन जो कठिनाइयां हैं इन पर फोकस नहीं करना, रादर देन क्या करना है, इच्छा करनी है जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कैसे करूं मैं, उसको जल्दी से जल्दी मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, क्या करूँ, ऐसा पूरा फोकस क्या होगा, हमारे लक्ष्य पे होना चाहिए, तो समस्या नहीं दिखाई देंगे फिर, है ना। अगर समस्या पर ध्यान देंगे तो हम लक्ष्य को भूल जाएंगे, जैसे मान लो ये लक्ष्य है आपका, है ना, और इसके आगे आपने एक समस्या रख दी, है ना, तो जब समस्या सामने आएगी तो क्या है, जो लक्ष्य है वो दिखाई नहीं देगा, हम समस्या पर फोकस कर रहे हैं तो लक्ष्य क्या है, ढक गया हमारा। लेकिन अगर हम फोकस करेंगे अपने लक्ष्य पर तो समस्या पे फोकस नहीं होगा, तो हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो हमारा फोकस किस पर रहना चाहिए, लक्ष्य पे, कि मुझे मुक्ति का अधिकारी बनना है और मोक्ष का योग्यता प्राप्त करनी है। तो जितनी भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं को एक तरफ करते हुए, सहन करते हुए क्या करना है, उनको हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं या जितना भी हम समय देते हैं, हमारा पूरा समय किन चीजों में जाता है कि हम इन डुअलिटीज को बचना चाहते हैं, इन डुअलिटीज को सहन नहीं करते, हम क्या है इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, और उसी के लिए पूरा जीवन हम प्रयास करते हैं। जो लक्ष्य है उसके लिए प्रयास नहीं करते, हम क्या करते हैं, इन डुअलिटीज को, मेरे जीवन में मान ही आए, अपमान ना आए, सुख ही आए, दुख ना आए, हमेशा बीच का नॉर्मल मौसम रहना, ज़्यादा गर्मी रहना, जाड़ा रहे, तो इन्हीं सारी चीज़ों से हम फंसे रहते हैं और इन्हीं का समाधान ढूंढने में, करने में हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और जो लक्ष्य है उसको हम ध्यान नहीं रखते, इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने में हम क्या करते हैं, अपना पूरा समय व्यतीत करते रहते हैं। इसीलिए हम आध्यात्मिक जीवन में किसी में कुछ नहीं कर पाते, जीवन में उन्नति हम आगे नहीं कर पाते।
तो जब ये टेम्पिटेशन आए, जब ये वेग आए, तो इनको सहन करना है और नो कहना है इनको, नहीं अब मुझे तृप्ति नहीं करनी, मुझे अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। ठीक है, गर्मी आएगी उसको सहूंगा, ठंड आएगी उसको भी सहूंगा, लेकिन मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। कोई चाहे मान देगा, चाहे कोई अपमान देगा, चाहे गाली देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे केवल और केवल अपने कर्तव्य का पालन ही करना है। हो सकता है मैं फेल होऊंगा बीच बीच में, लेकिन फिर से मुझे शक्ति अर्जित करनी है और फिर से उठना है और फिर से युद्ध करना है, फिर से अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो कर्तव्य का पालन करना है उसको करना है। तो भगवान कह रहे हैं इन सारी कठिनाइयों को अर्जुन कठिना सीखो, सोचो कि हम इन कठिनाइयों से पार पाना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, संसार में समाधान ढूंढते हैं, लेकिन अर्जुन के साथ तो साक्षात कृष्ण भगवान खड़े हैं। तो भगवान ने नहीं बोला, भगवान मैं अर्जुन को ये नहीं बोला कि तेरे जीवन से मैं सारी कठिनाइयों को दूर कर दूंगा, कोई सुख दुख जड़ गर्मी जड़ा कट कोई कठिनाई नहीं आएगी तेरे जीवन में, नहीं। भगवान ने कहा आएंगी, अर्जुन ने सहन करना सीखो और सहन करो और फिर कर्तव्य का पालन करो। तो भगवान साक्षात है तो भी उनको समझा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, हमको समझा रहे हैं कि भाई ये इन चीजों से छुटकारा नहीं मिलेगा आपको, नहीं पा सकते इन चीजों से छुटकारा, क्यों इनके पीछे समय व्यर्थ कर रहे हो, इनको सहन करना सीखो और अपने कर्तव्य का पालन करो, जिससे क्या होगा आप आगे आध्यात्मिक उन्नति कर पाओगे। तो ये था आज के हमने 14-15 श्लोक में डिस्कस किया कि कैसे इस सहिष्णुता को, इस डुअलिटीज को हमें सहन करना है, और अगर हम सहन करते हैं तो सहन करेंगे तो हम आगे आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्णा।